हाय गाइस, तो आज हम बात करेंगे मोहितो कॉकटेल के लिए। मोहितो कॉकटेल वेरी रिफ्रेशिंग कॉकटेल है जो कि इंडिया में एक बच्चे से लेकर बूढ़े को हर किसी को पता होता है, चाहे वर्जिन मोहितो हो या अल्कोहलिक मोहितो, ये हर कोई जानता है और वेरी रिफ्रेशिंग कॉकटेल है। जैसे मैंने बोला, तो ये हर बार में, हर ऑर्डर में ये मोहितो आपको अवेलेबल होगी हर मेन्यू में, चाहे भले मेन्यू में मेंशन भी ना हो, बट इसके ऑर्डर हमेशा बार में आते हैं। देखा जाए तो बहुत ही यूजली कॉकटेल है, हर कोई इसको जानता है और ड्रिंक करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस कॉकटेल को बनाने के लिए हम यानी बारटेंडर बहुत ही मिस्टेक्स करते हैं? तो आज के वीडियो में मैं वही बताने जा रहा हूं कि हम इस कॉकटेल को बनाने में क्या मिस्टेक्स करते हैं और हम कैसे इंप्रूवमेंट करेंगे सही रेसिपी के साथ। मोहितो जो कि क्यूबन क्लासिक कॉकटेल है, ये हर बार में बनाई जाती है। तो मोस्टली सबसे पहले इसकी रेसिपी, इंडिया में मोस्टली लोग क्या होता है, लाइम चंक्स यूज करते हैं। देखा होगा आपने, लाइम चंक्स यूज करते हैं। लेकिन जो क्लासिक कॉकटेल है इसमें मिंट का ही यूज होता है, लाइम चंक्स नहीं होता। तो इसके लिए सबसे पहले एक ग्लास जो कि प्रिफर किया जाता है हाई बॉल में, बट यहाँ क्या अलग तरीके के ग्लास दिए जाते हैं, फ्रॉस्टेड ग्लास दिया, बट प्लेन ग्लास होना चाहिए क्योंकि ये कॉकटेल ही इतनी सही दिखती है, टेक्सचर इतना सही होता है, इसको देखने से ही सच कहूं तो एक रिफ्रेशमेंट हमको मिलता है, ठीक है। दूसरी चीज है मिंट। आपने देखा होगा बहुत से बारटेंडर्स मिंट को स्लैप करते हैं, राइट, लाइक दिस, इट्स ट्रू। बट सबसे पहले आपको ये जानना है कि मिंट का टाइप, पहली बात तो आपको ये नहीं मालूम हुआ कि मोहितो में कौन सी मिंट्स यूज की जाती है, राइट, और हमारे पास कौन सी मिंट्स है। दिस इज कॉर्नफील्ड मिंट, दिस इज कॉर्नफील्ड मिंट। इसको स्लैप मारने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि ये इतना प्रोग्रेसिव नहीं है। जिसमें स्लैप मारा जाता है या उसको हल्का सा लूज मॉडल किया जाता है, दैट इज पेमेंट्स एंड पेपरमेंट। सच कहूं इंडिया में 90% बार और 90% लोग इसी मिंट का यूज करते हैं जो कि लोकल होता है, यानी देसी मिंट्स। इसमें हार्ड मेटल की जरूरत होती है, हार्ड मेटल की। जो स्लैब होता है वो क्या होता है कि हार्डली ग्रीन होता है, उसे स्लैब इसलिए मारा जाता है कि उसके अंदर ऑयल इतना ज्यादा होता है कि अगर हम मेटल करेंगे तो उसका ऑयल इतना एक्सट्रेट होता है कि वो आपकी मिंट के साथ साथ वो बिटरनेस ज्यादा आ जाती है, इसलिए उसको इस तरह खाली स्लैप मारा जाता है और गिलास के अंदर डाल जाता है। बट अगर आपके पास कॉर्नफील्ड मिंट है तो इसके तरीके है, स्लैप नहीं करना है आपको, सिर्फ लाइक दिस। सबसे अच्छा तरीका होता है कि सबसे अच्छी चीज होती है इसमें, यू कैन रब द रिंग, इससे क्या होगा कि आपका मिंट का ऑयल इसमें चल जाएगा। उसके बाद इसको इसके अंदर डालना है और मडलर, मडलर का भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, नेवर यूज द वुडन मडलर, दिस इज द वुडन मडलर। वुडन मडलर कभी यूज नहीं करना, क्यों, क्योंकि ये वुडन है, ये ऑयल और लिक्विड को एब्जॉर्ब करता है। इफ सपोज आप मडलर करेंगे, मडलर करने के बाद जब इसके अंदर का ऑयल और लिक्विड एक्सटेंड होगा, ये इसमें एब्जॉर्ब होगा। यू ट्राई दिस मेटल वन और सिंथेटिक वन लाइक दिस, वैसे मैं यूज नहीं कर रहा, ये यूज कर रहा हूँ, मडल लाइक दिस, काइंड ऑफ लाइक दिस, मडलिंग लाइक दिस, नेवर लाइक दिस, ऑलवेज डू लाइक दिस। खाली हमको इसका एक्सट्रैक्ट करना है, इसके ऑयल को रिलीज करना है। तो आपका सबसे पहले इन्वेंट्री में मोहितो बनाते हुए तुम्हारे यहाँ मिंट मैटर करता है, यानी पेपरमिंट मुश्किल होता है मिलना, बट इस एक तरह का किस्म होता है, पेपरमिंट और पेपरमिंट, ऑलवेज यूज फॉर द मोहितो। सेकेंड आता है कि इसको कौन से आइस सर्व करें। मोस्टली लोग क्या होता है, मिंट साइज यूज करते हैं जो बहुत ही पतली बारीक होती है, जो जिससे कि अगर हम देखें तो वो चुस्की बनाते हैं। हमें सड़कों में देखा होगा आपने, चुस्की चुस्की गोला बनाते हैं, हाँ। तो वो क्या होता है, वो जैसे हम किसी लिक्विड के कंटेक्ट में आते ही वो क्या बहुत जल्दी डायल्यूट होता है, इस वजह से आपकी कॉकटेल क्या हो गई, डायल्यूट हो जाती है और फ्लोटिंग करने लगती है, इस वजह से उसको उतना अच्छा टेस्ट नहीं मिलता है। जैसे सपोज हमने ये लिया, अब हमने इसमें लाइम जूस डाला, अगर आपका मिंट अच्छा है तो
ओनली यू कैन यूज सिंपल सिरप, दूसरा तुम्हारा होता है रम, यानी वाइट रम यू कैन यूज, बट क्लासिक होकर जो ये पहली बार बनी थी तो उसने कशासा यूज किया था। कशासा क्या, एक काइंड ऑफ लाइक अ रम बट जो कि 100% शुगर कैन से बनती है, बट जो हमारी रम है दैट इज मोलासिस, मेड बाय मोलासिस। तो इसमें भी आप थोड़ा अच्छा ट्विस्ट ला सकते हैं, यानी एक बकाडी या दूसरी ब्रांड की लिमोन फ्लेवर आता है, यू कैन यूज। यहां तक सही है, ठीक, यहां तक सही है। अब आता है तुम्हारा आइस, कि कौन सी आइस यूज करें, कैसे आइस यूज करें। तो सबसे पहले मैं बोलूंगा हाफ तुम्हारा होगा क्यूब आइस, यानी हाफ जो है तुम्हारा क्यूब आइस यूज किया जाएगा। हाफ क्यूब आइस, ठीक। अब मोस्टली पीपल्स क्या करते हैं, स्टर करते हैं लाइक दिस। स्टर करने से क्या होता है कि आइस डाइल्यूट होती है। इसका बेस्ट मेथड होता है स्वीजल, स्वीजल काइंड ऑफ लाइक दिस, कि आपका जो अंदर का जो मिंट्स पार्टिकल्स होते हैं वो स्प्रेड हो जाए आपकी पूरी होल कॉकटेल में। मोस्टली पीपल लोग सोडा, स्पार्कलिंग वाटर या सोडा एंड में डालते हैं, बट नहीं, सपोज इतना आपका स्विजल तक डन हो गया, उसके बाद स्प्लैश, इसका स्प्लैश आता है जस्ट फॉर द स्पार्क्स, यानी स्विजल के लिए। जब तुम्हारे स्विजल हो जाएगा इसके बाद मोस्टली मैंने पहले बताया था मिंस आइस, यानी बिल्कुल क्रश आइस यूज करते, तो डायल्यूटर नहीं, हम यूज करेंगे पेबल आइस। पेबल क्या होता है, जस्ट लाइक ए स्मॉल स्मॉल पार्टिकल, डायमंड साइज या पर्ल साइज होती है, बट बहुत हार्ड होती है मिलना, लेकिन हम उसकी जगह हम कहेंगे क्रैक आइस। क्रैक आइस काइंड ऑफ लाइक दिस इज नॉट अ मेन साइज, इज अ क्रैक आइस, हैंडमेड, या इसको हैमर के थ्रू बना सकते हो या इसको मतलब के क्रश के थ्रू, अदरवाइज एक मशीन आती है उसके थ्रू भी बना सकते हैं इसको। सी इज काइंड ऑफ लाइक दिस, ये देखो, आप देखो कितना अच्छा ये लग रहा है, जैसे एक आइसबर्ग फ्लोटिंग कर रहा है समुद्र में, इट्स अ लुक। नाउ इज अ गार्निश, नाउ इज अ गार्निश पॉइंट, सी दिस इज मेन स्प्रिंग ऑफ बंच लाइक दिस एंड वन लाइन विल काइंड ऑफ लाइक दिस, लुक एट दिस, नाउ इज वेरी नाइस, दिस इज द परफेक्ट मोइटो मेड। अब आप इसको एल्कोहलिक बना सकते हैं, नॉन एल्कोहलिक बनाते हैं, बट द मेथड आइस स्टाइल विल बी सेम। तो ये थी मोइटो ड्रिंक्स के ऊपर जो मिस्टेक, जो कि हर कोई मोस्टली बारटेंडर्स और लोग करते हैं। तो आगे इन चीजों का ख्याल रखें और एक परफेक्ट कॉकटेल तैयार करें। तो आज का वीडियो इसमें हम एंड करते हैं, देखने के लिए शुक्रिया, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच।